हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कम गुड न्यूज़ मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। दिस इज न्यूज़ अबाउट द UPHESC अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशन। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने विज्ञापन संख्या 50 यानी कि एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के तहत करीब 2002-2003 वैकेंसीज के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और उसके विभिन्न विषयों में इंटरव्यूज़ हुए और काफ़ी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का उसमें चयन भी हुआ और काफ़ी बच्चे उसमें जो है चयन में नहीं आ पाए, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। और जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या UPHESC अब करेगा, कितनी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा, क्या कोई सटीक कोई न्यूज़ है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, तो आज की एक न्यूज़ मैंने देखी जो मुझे एक मेरा नोटिफिकेशन आया एक न्यूज़ का और मैंने उसको देखा तो वो एक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल की ही वीडियो थी और उसमें मैंने देखा, उसमें बताया जा रहा था कि जुलाई में बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। उसकी वजह यह है कि जो UPHESC अब 900+ वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके लिए एक एजेंसी का चुनाव हो चुका है, यानी कि एजेंसी का चयन हो चुका है कि किस एजेंसी के थ्रू ये फॉर्म वगैरह भराए जाएंगे और टेस्ट कराया जाएगा, तो ये चीज़ फाइनल हो गई है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जैसे कि हम जानते हैं कि आज 1 जुलाई हो गई और 15 जुलाई तक, जो कि उस न्यूज़ एज पर दैट न्यूज़ 15 जुलाई तक आवेदन मंगाने की स्थिति में UPHESC आ जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा और उम्मीद करते हैं कि 15 जुलाई के बाद पूरी पूरे चांसेस हैं कि UPHESC नोटिफिकेशन निकाल देगा और ऑनलाइन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो एजेंसी है जिसके थ्रू पूरा प्रोग्राम होता है और आपके जो भी है फॉर्म वगैरह फिल किए जाते हैं और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो वो सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। ये जो सचिव हैं UPHESC की वंदना त्रिपाठी जी, उनके ही स्टेटमेंट के ऊपर एक न्यूज़ थी, काफ़ी लंबी न्यूज़ थी। तो 900+ न्यूज़ का अधियाचन पहले 900+ वैकेंसीज का जो अधियाचन पहले मांगा गया था उसी को लेकर चर्चा थी कि अब 900+ के आसपास वैकेंसीज होंगी विभिन्न विषयों में, जिसमें कि काफ़ी सारे विषय हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके मैथ्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स एजुकेशन लॉ वगैरह वगैरह जितने भी विभिन्न विषय होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज आएंगी। तो उम्मीद ये है कि एजेंसी फाइनल होने के बाद फिर प्रक्रिया रहती है कि नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर वो डेट निकाली जाती है कि आपको फॉर्म फिल करना है और एक महीना तो दिया ही जाता है आराम से। तो अगर हम मान के चले अगर 15 जुलाई तक भी ये स्टार्ट करें तो करीब 15 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग होगी, तो 15 अगस्त तक जब फॉर्म फिलिंग होगी तो उसके बाद भी कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि अगर हम इसको अमूमन तौर मान लें 15 अगस्त, तो 15 अगस्त से 15 सितंबर 15 अक्टूबर 15 ये नवंबर दिसंबर के आसपास अगर टाइमली UPHESC समय से करा लेता है, क्योंकि चरण में होता है एक बार में नहीं हो पाता है, तो कम से कम ये मान के चल सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में इसके एग्जाम होने की संभावना है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है सारे बच्चों के लिए जो भी प्रशासकीय गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्रवक्ता बनने के इच्छुक हैं और अपना करियर इस फील्ड में देखना चाहते हैं, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक ड्रीम जॉब भी रहती है कि वो एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एडेड डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हों, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब होती है, काफ़ी अच्छा स्केल होता है और एक सम्माननीय कहना चाहिए रेस्पेक्टेबल और डिग्निफाइड जॉब होती है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, आप UG के यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं और हर लिहाज से बहुत अच्छी जॉब होती है। सैलरी स्ट्रक्चर से वाइज करें तो 7 CPC यानी 7 जो सैलरी कमीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, वही 80+ से आपका करियर स्टार्ट होता है। तो जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी अच्छा स्केल एक दो साल में ही आप 90,000 और 1 लाख के टचिंग में पहुंच जाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत अच्छी जॉब है जिसको कि लोग काफ़ी साल तैयारी करते हैं और निकालते भी हैं और फिर अपना करियर सेट करते हैं। तो आज जो मैंने अपने साथ वीडियो शेयर की उसमें मैंने यही बताया कि 15 जुलाई के बाद पूरे पूरे चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन जारी होगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश जो सेकेंडरी बोर्ड है उसने तो ऑलरेडी PGT की वैकेंसी निकाल ही दी है और काफ़ी फॉर्म पढ़ भी चुके हैं और 3 जुलाई इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और करीब 9 जुलाई जो है उसमें पेमेंट करने का और पेमेंट करके फाइनल सबमिशन का 3 जुलाई तक पेमेंट करने का और बाद में फाइनल सबमिशन की 9 जुलाई तक उसमें डेट दे रखी है।
तो पीजीटी वगैरह का भी आप लोग भरिए फॉर्म, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज हैं। पीजीटी की 600 प्लस वैकेंसीज हैं, टीजीटी की करीब 3500 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसमें कि कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट रिटर्न के बेस पे सिलेक्शन होता है। तो अब अगले देखिए एक महीना हो गया, जून जुलाई, इसमें वैकेंसीज आई, जुलाई में भी UPSC की वैकेंसीज आएंगी, तो और काफ़ी सारी टीचिंग में वैकेंसीज निकल रही हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए और कमर कसने के बाद अपनी तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। पीजीटी अगर कर रहे हैं तो पीजीटी पे फोकस करिए, या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप UPSC की के ऊपर फोकस करिए, और अगर आप UPSC पे ही फोकस हैं तो कोशिश करिएगा कि आप UGC नेट के प्रिपरेशन के पैटर्न पे ही तैयारी करिए, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न रहता है वो UGC नेट के पैटर्न पे रहता है। उसमें फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें करीब GS वगैरह रहती है, और उसमें करीब 30 क्वेश्चन जो हैं वो GS के आते हैं, बाकी आपके सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इस तरीके से 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो करीब 130 नंबर का पूरा ये एक सिलेक्शन प्रक्रिया होती है UPSC की, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। 130 नंबर में ही आपका 500 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस तरीके से जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, तो इसको कमर कस लीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।